अंदर को सिर लगाना को सिर लगाना सिर लगाना ऊपर लो ऊपर से लो कैमरा नीचे कैमरा नीचे इधर इधर तुम सिर लगाना नहीं हां देखो
शिक्षा भाई, शिक्षा अंकल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदना बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खमरुद्दीन अली।
ربنا تقبل من سورة الفاتحة. उनको कुछ भी ये नहीं ठीक है छोड़ो साहब आप दो लाख जबा तुमको एक सेकंड में खा ले साहब चेयर कुर्सी 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 नहीं नहीं रंगे रंगे हो गया पांच मिनट नहीं आ जाते आप आ जाते हो गया बाप हाँ राइट ఆ క్యాలెండర్లో ఆ సందేశం ఉంది అందుకు మేము ఈ క్యాలెండర్ వెళ్ళేరు అది చూసిన సాహెబ్ సాహెబ్ ఇంకా మధ్యగా చూడతారు निकाल लिया
तुम्हें ऐसा अरे अख्तर साहब भैया कहीं तुम मुर्दा थी एक सेकंड रखो डालो नहीं हुआ ना अभी कर तो सीन नहीं है बहुत है वहां ला जाओ अख्तर साहब हो गया हाँ वीडियो साहब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोलार से पिलगोंडा शरीफ को कमरुद्दीन हज़रत कमरुद्दीन शाह वली के हैदर करार के दरबार में हमें आए हैं। पंजतन पाक के वसीले से और उनके करम से हम सब जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज का ये प्रोग्राम जनाब मुईन बाबा के तरफ से हम इस दरगाह शरीफ महमूद शाह कादरी साहब के उर्से मुबारक में आए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था और जनाब आदिल शाह साहब के भी ज़ेर निगरानी यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था। और मुस्लिम क्या, हिंदू क्या, क्रिश्चियन क्या, बुद्धिस्ट भी आ गए इस प्रोग्राम में माशाल्लाह। इस प्रोग्राम को अल्लाह ताला और कामयाब अता फरमाए और जजाए खैर अता फरमाए। जो जो हजरात इसमें मेहनत किए हैं या अल्लाह उनके बच्चों को, उनके बाल बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और खुसूसन खुसूसन या अल्लाह जहाँ पर भी आकर बदनामी हो रही है उस बदनामी को बचाएँ और सौम सलात के पाबंदी रहें। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तमाम आलम इस्लाम को ये इत्तला दी जाती है कि आज शहर पिनगुंडा में हज़रत सैयद खमरुद्दीन अली शाह कादरी बाबा का उर्स की तारीख और उनके उर्स की तकारीब में हम सब जो है यहाँ पर हाजिर हुए, जमा हुए हैं। उन्हें चादर पेश किया गया है और
इस उर्स की कार्रवाई में बहुत सारे मशायखीन और हमारे कुचा शरीफ के जो सज्जादे नशीन है दादा पहाड़ के साहब भी जो है शिरकत फरमाए, और तिरचनापल्ली से जो है जो तबले आलम बादशाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो जानशीन है वो भी यहाँ पर हाज़िर हुए, और मैनुद्दीन बांगी अब्बासी साहब वो भी यहाँ पर हाज़िर हुए, दीगर बहुत सारे खुलफा मशायखीन और बुद्ध मज़हब के लोग, और हमारे माइनॉरिटी क्रिश्चियंस जितने भी है, हिंदू धर्म के लोग, जितने भी मठाधिपति पीठाधिपति जो जो लोग हैं यहाँ पर इस उर्स और संदल की कार्रवाई में हाज़िर हुए हैं, ये बहुत बहुत बड़ी जो है खुशी की बात है कि आज जो है खमरुद्दीन बाबा के संदल व उर्स के मौके पर तमाम मज़ाहिब के लोग जो है एक प्लेटफार्म के ऊपर जमा हुए। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसमें हमारे इस कमेटी के बहुत बड़ी जो है मेहनत व कोशिश है आदिल शाह की, और हमारे कलीमुल्ला साहब की, और उनके दिगर जितने कमेटी के आरकिन हैं उन तमाम का जो है बहुत मेहनत व मशक्क़त है, और मैं जो है नाचीज़ इस संदल व उर्स की कार्रवाई में सूफ़ी खुदादाद वेलफेयर फाउंडेशन के सदर होते हुए अख्तर शाह कादरी कुन शरीफ दरगाह से मैं भी जो है यहाँ पर शिरकत फरमाया हूँ। मुझे ये खिदमत का मौका दिया है, मैं तहे दिल से इन सब का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, एक वली की बारगाह में हमें संदल शरीफ के लिए तशरीफ लाए हैं। माशाल्लाह, यहाँ संदल शरीफ जो पिनगोंडा शरीफ में पिनगोंडा रोड में हज़रत खमरुद्दीन वली अल्लाह के बारगाह में हम हाजिर हुए हैं। माशाल्लाह, बहुत धूमधाम से चला हुआ है। यहाँ से कई मशाइख और कई सादात भी इस महफिल में शामिल हुए हैं। कई डिस्ट्रिक्टों से भी आए हैं, कर्नाटक तमिलनाडु से भी आए हैं, कई पॉलिटिकल लीडर्स भी आए हैं, और हिंदू और मुसलमान सब मिलकर माशाअल्लाह सुबहानअल्लाह बहुत धूमधाम से अल्लाह के वली की बारगाह में ज़ियारत के लिए आए हैं। एक वली की ज़ियारत करना अल्लाह ताला हमारे ईमान को मजबूत कर देता है, हमारे ईमान की ताजगी का सबूत एक वली की ज़ियारत करना है। इसीलिए तो कहते हैं निगाहें वली में मुतासिर देखी, बदलती हुई हज़ारों की तकदीर देखी। बल्कि आज कई लोग अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हुए हैं, बल्कि अपनी तकदीरों को वली के वसीले से तब्दील कर लें। इसीलिए हम तमाम हजरात वली की दुआएं और फैज़ हासिल करने के लिए पिनगोंडा शरीफ में कमरुद्दीन वली अल्लाह की बारगाह में हम हाजिर हुए हैं। लिहाजा इस साल बहुत धूमधाम से चला है, इंशाअल्लाह आइंदा साल इससे भी धूमधाम से चलेगा। लिहाजा जो भी हजरात इस बारगाह की इस महफिल को देख रहे हैं, लिहाजा उन हजरात से भी गुजारिश करते हैं तो वो भी हजरात इस साल जो आ ना सके हैं वो हजरात आइंदा साल भी हजरत की ज़ियारत के लिए आ जाएं। लिहाजा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। चेन्नागि नडीतु इदु हिंदू मुस्लिम्स इन्नोंदु मत्तोंदु अंत भेद भाव इल्ल आ तर नडीतु ओळ्ळे संप्रदाय इदु इदे तर नडेकोंडु होद्रे एल्लक्कू ओळ्ळेदु ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನಡೆದಿತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ತಂದಿಕ್ಕು ಜನಗಳನ್ನ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಗಳ ಥರ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ವಾರದಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಾಜ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆ ಕೆ ಶರೀಫರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಳುವಾರದಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ದಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಈಗ ದೇವರು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀರು ಹಿಂದೂಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಧರ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಊಟನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಈಗ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನಿಲ್ಲ, ಆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕ್ರಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡಬೇಕು, ಸಮಧರ್ಮ. ಇವಾಗ ನೀರು ಹೇಳಿಲ್ವ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದೇ ಥರ ಅಂತ, ಆ ಥರ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಇದಾಯಿತು. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಕೂಡ ಡಗ್ನಿಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾ ಇದೆ, ಆಗ ನಮ್ಮ ಯಾರಪ್ಪರು ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಯಾರಬ್ ದರ್ಗಾ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ಸು, ಗೊತ್ತು ಯಾರಬ್ ದರ್ಗಾ ಏನು ಅಂತ. ಆ ಥರ ಯಾರಬ್ ದರ್ಗಾ ಕೂಡ ನಾನು ಶುಕ್ರವಾರ ಯಾವಾಗನ ಒಂದು ಸತಿ ಯಾರಬ್ ದರ್ಗಾ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೋಗ್ದಿರೇನಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ವಾತಾವರಣ, ಒಂಥರ ಸಂತೋಷ,
ಒಂಥರ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಒಂಥರ ಕೋಲ್ಡ್ ಥರ ತಣ್ಣಗಾಯ್ತು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೌದು. మరి దినమనాయక మంచి కార్యక్రమానికి రావడం చాలా సంతోషకరం. మరి దేశం నుంచి అలాగే రాష్ట్రం నుంచి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి మరి ముస్లిం సోదరులే కాకుండా ఇతర మతాలు చెందినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్రాంతానికి రావడము, మరి ముస్లింసే కాకుండా క్రిస్టియన్స్, బౌద్ధులు, మరి హిందూస్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి ఈ కార్యక్రమం అంతటిలో కూడా మరి ఐక్యత, సంతోషము, ప్రేమ కలిగి ఉండాలన్నటువంటి ఆ యొక్క దృఢ సంకల్పంతో ఈ యొక్క ప్రాంతానికి రావడం జరిగింది. మరి మానవులంతా ఒకటే. దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మరి కుల మత జాతిని చూడడం లేదు. దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మనిషిని మనిషిగా ప్రేమించాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. కనుక ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా రాబో దినాల్లో కూడా ప్రతి ఒక్కరూ కుల మత మరి జాతికి అతీతముగా ఒకరినొకరు మరి కష్టంలో ఉన్నప్పుడు కానీ సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు కానీ వారిని తోటి వారిని ఆదుకోవాలని దేవుని వాక్యం కూడా అంటుంది. పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ అంటుంది ఆకలిగా ఉన్న వాళ్ళకి ఆకలిగా ఉన్న వాళ్ళకి ఆహారం ఇవ్వాలి, దాహముగా ఉన్న వాళ్ళకి దాహం ఇవ్వాలి, అనారోగ్యంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని పరామర్శించాలని చెప్పి దేవుని వాక్యమైన పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ అంటుంది. అలాగే ఈ దినమున ముస్లిం సోదరులు ఎంతోమందికి మరి ఇక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం చాలా సంతోషకరం. మాకు కూడా ఇక కార్యక్రమంలో పాలు పొందడానికి దేవుడిచ్చినటువంటి భాగ్యాన్ని బట్టి నేను కూడా సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక. ఆమేన్. ఈరోజు పెనుగొండ పట్టణం నందు గోడిపెంట రోడ్డు నందు యా షేకు సయీద్ షా మహమ్మద్ కమరుద్దీన్ అలీ హైదరే ఖరార్ 19వది గంధ కార్యక్రమానికి ఇది టౌన్లో జిల్లాల వారీగా పట్టణ వాళ్ళుగా పల్లెలు ప్రతి ఒక్కరూ కొన్ని వేల సంఖ్యలో ఇక్కడ అన్నదానానికి హాజరు కావడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరికి అన్నదాన కార్యక్రమంలో ఎవరికి లోటు లేకోకుండా వచ్చిన గురుదేవులకు కూడా సన్మానాలు కూడా చేరడం జరిగింది. బెంగళూరు నుంచి లయాల అనే ఈ బుద్ధ భగవానులో పెద్ద పెద్ద గొప్ప గురువులందరూ రావడం జరిగింది. వాళ్ళందరికీ ఈ ట్రస్ట్ జెంక్యూ గ్లోబల్ ట్రస్ట్ తరఫున అందరికీ సన్మానము, పూలహారాలతో వాళ్ళకు గౌరవంగా సన్మానం జరగడం జరిగింది. ఇక్కడ అన్నదానానికి ఏ లోటు లేకోకుండా ప్రతి ఒక్కరికి అన్నదాన కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరు చాలా బాగా పంచుకున్నారు. ప్రతి ఒక్క భక్తాదులందరూ చాలా విరివిరిగంగా ఇప్పటికీ రావడం జరుగుతుంది. ఈ సంతోషానికి అందరూ సంతోషంగా ఉన్నాం. మా ట్రస్టీ తరఫున కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ పూజ. అస్సలాము అలైకుం. ఇవత్తు దినాంక 16 ఏప్రిల్ 2024 పెనుగొండ షరీఫ్లో పెనుగొండ షరీఫ్ ఊర్స్ షేక్ సయ్యద్ షా మొహమ్మద్ కమరుద్దీన్ అలీ హైదరే ఖరార ఇవత్తు ఊర్స్ ఉత్సవ ఇత్తు. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು ಜನ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಪಕ್ಕದ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದನೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಈ ತುಂಬ ಅದ್ಧೂರವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉರ್ಸ ಶರೀಫ್ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು ತುಂಬ ಅದ್ಧೂರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಉರ್ಸ ಮುಬಾರಕನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ದೇವ್ರ ದಯಿಂದ ನಾನಾ ಬಾಬಾ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಬಾಬಾಯಿಂದ ತಿರುಗಡೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪಿ ಡಿ ಒ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಆದ ಆದಿಲ್ ಬಾಷಾ ಕಲೀಮುಲ್ಲಾ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ವಾರದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೋರೋದೇನೆಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಬಂದಿದ್ದಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ನಾವು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷ ಇರಬೇಕಂತಲೇ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಬಂದು ಬಿಜಾಪುರ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದು ನಾವು ಮುತ್ವಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಇಮಾಮ್ ಖತೀಬ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಂದು ಮೈನುದ್ದೀನ್ ಬಾಂಗಿ ಅಬ್ಬಾಸಿ ಅಂತ. ನಾವು ಬಿಜಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮವರಂನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ನಾವು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಾತು ಜಾತ
साहब फिर ओके समंदर है वो समंदर है जिसका किनारा नहीं। सुनिए, हश्र के दिन भी वो, हश्र के दिन भी वो सबके काम आएंगे। बोलिए, हश्र के दिन भी वो सबके काम। या अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के वसीले से मेरे मौला जो कलाम पाक की तिलावत की है, परवरदिगार कलाम पाक की तिलावत की तेरी मुकद्दस बारगाह में कबूल अता फरमा, आमीन। या इलाही कलाम पाक की तिलावत करने में किसी भी किस्म की अमदन सोहबत कामी या गलती अल्लाह का दिशा मुस्ताक हो तो मेरे मौला छोटू भाई हाँ डाल देखो भाई अच्छा देखो।